हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार फिनिक्स एकेडमी के अंदर। और आज हम बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज़ के अंदर लेके आए एक नई वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हाइपोगाइनस, इपिगाइनस एंड पेरीगाइनस फ्लावर के एग्जांपल की ट्रिक देखने वाले हैं, जिसके बाद आपको हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होने वाला। तो चलो चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो आप सभी अब MBBS का स्टडी कर रहे हैं, MBBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हाई ब्लड सर्कुलेशन पता होना ज़रूरी है। क्या पता होना चाहिए? हाई ब्लड सर्कुलेशन। तो हाई ब्लड सर्कुलेशन इज़ मस्ट, हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट। और हाई ब्लड सर्कुलेशन हमें कैसे पता चलता है? ECG से। कैसे पता चलता है? ECG से। और जो ECG मशीन होती है वो कैसे साउंड करती है? पी 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 ऐसा साउंड करती है, ठीक है। तो हमें अगर MBBS की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें हाई ब्लड सर्कुलेशन मालूम होना चाहिए, जो कि किससे कैलकुलेट करते हैं? ECG मशीन से। और वो कैसे साउंड करती है? पी पी पी, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है? हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट शोज ECG पी 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 हर रोज़। हर रोज़ अगर ECG मशीन पी 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 शो करेगी तो तभी क्या होगा? हाई ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो हाई ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए क्या मस्ट है? टू शो ECG पी 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 हर रोज़। तो ट्रिक क्या है हमारी? हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट शोज ECG पी 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 हर रोज़। तो ट्रिक क्या है हमारी? हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट शोज ECG पी 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 हर रोज़। तो ट्रिक क्या है? हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट शोज ECG पी 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 हर रोज़। आपको अगर ये ट्रिक पता चल जाएगी तो आपको हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और पेरीगाइनस के एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। कैसे? चलो देखते हैं। तो हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट के अंदर हाई मतलब क्या? हाइपोगाइनस। हाई मतलब क्या? हाइपोगाइनस। ब्लड मतलब ब्रिंजल, ब्लड मतलब ब्रिंजल। सर्कुलेशन मतलब चाइना रोज, सर्कुलेशन मतलब चाइना रोज। एंड मस्ट मतलब मस्टर्ड। अब ECG मतलब क्या? चलो देखते हैं। ECG के अंदर E मतलब इपिगाइनस, C मतलब कुकुम्बर एंड G मतलब गवा। ECG के अंदर E मतलब इपिगाइनस, C मतलब कुकुम्बर, G मतलब गवा, ठीक है। ठीक है, तो PPP रोज मतलब क्या देखते हैं। PPP रोज के अंदर P, पहला P मतलब पेरीगाइनस, दूसरा P मतलब प्लम, तीसरा P मतलब पीच एंड रोज मतलब रोज। पहला P मतलब पेरीगाइनस, दूसरा P मतलब प्लम, तीसरा पी मतलब पीच एंड आर रोज मतलब रोज, ठीक है। तो इसी तरह से हमें पता चल जाएगी हाइपोगाइनस, इपिगाइनस एंड पेरीगाइनस के एग्जांपल। हाई ब्लड सर्कुलेशन मस्ट, इसके अंदर हाइप मतलब हाइपोगाइनस, जिससे हमें हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल पता चल जाएगी, वो जो कि है ब्रिंजल, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। ECG के अंदर ई मतलब इपिगाइनस, जिससे हमें पता चल जाएगी इपिगाइनस के एग्जाम्पल, जो कि है कुकुम्बर एंड गवा। PPP रोज के अंदर P मतलब पेरीगाइनस, जिससे हमें पता चल जाएगा पेरीगाइनस के एग्जांपल, जो कि है प्लम, पीच एंड रोज, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।